एक भैया है जो पर्स का काम करते हैं और उनसे पर्स लेने जा रही है क्योंकि ऑनलाइन से वो पर्स सिर्फ 20 रुपये सस्ता दे रहे हैं। क्या भैया, ऑनलाइन ले लेना था हम 5,000 रुपये का, वहाँ से पेट्रोल फूक के अम्बाला तक जाएंगे और सिर्फ आपके एक 20 रुपये बचाने के चक्करों में। मैंने कुछ गलत कहा? 20 रुपये सस्ता मिल रहा है, इवन सस्ता तो देख रही हूँ, और कितना देखना है? अगर वही 20 रुपये सस्ता मिलेगा और क्या चाहिए। वो पर्स है जो ऑनलाइन पे है 1300 रुपये का और भैया ने हमें दिया है 1280 रुपये का, और भैया वैसे बोल रहे थे इसके प्राइस तो ज़्यादा है, बट चलो आप इतनी दूर लुधियाना से आए हो तो आपको ये 1280 रुपये का दे देते हैं। तो आप मेरे को आ गया बर्गर यार, अभी मेरे को बर्गर खिलाएंगे, खिलाओगे ना भाई? क्या? बर्गर मैकडी। तो ये है मासी जी। तो मासी जब आप कैसे हो? काफ़ी बेटर हो। तो ये है मासी, चलो इनसे ना ज़्यादा बात करते हुए, तो वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल इस केदारनाथ बॉय। आज फिर एक नवे व्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है। आज असी रैंडमली बस निकले हुए आएंगे, आज असी चलेंगे लॉन्ग ड्राइव करांगे 200 तो 300 किलोमीटर की। मन थोड़ा फ्रस्ट्रेट सी, हम देखते हैं आप अज कितने पहुँचने हैं, मतलब अज सवेरे निकलेंगे शाम को वापस आवेंगे, अपना थानू सनसैट भी दिखावे तो अपना पूरी मस्ती नाल जावे, पूरी मस्ती नाल आवेंगे। मेरे नाल जा रही है काव्या, तो आप फुल तुम मस्ती नाल अपना व्लॉग बना के दिखावे। चलो साढ़े नाल इस यात्रा बने रहो। लगभग 9:30 हो चुके हुए हैं, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। हमें ये नहीं पता हम कौन सी रोड पे जाएंगे, पर जो भी है 200-250 किलोमीटर का हम अपना आज सफ़र है जो लॉन्ग ड्राइव है वो करके आएंगे। चलो बाकी ऐसा हो ही नहीं सकता हम कुछ करें और वहाँ पे एडवेंचर ना हो जाए। ऐसे ही अभी हम निकले हैं और आप देख सकते हो जाम कितना ज़्यादा लगा हुआ है, इतना जाम है लगभग यहाँ से हमें लग रहा है 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा हमें जाम से निकलते हुए। चलो देखते हैं आगे क्या बनता है। बड़ी जद्दोजहद के बाद हम अपना मेन रोड पे पहुंच चुके हुए हैं और अब यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। लगभग 19 किलोमीटर से हम यात्रा शुरू कर रहे हैं, जब हम वापस आएंगे तो उसके बाद देखेंगे मतलब हमने आज का दिन में कितनी लॉन्ग ड्राइव की है। सड़ी मिर्च कंड कड़ी कोठे जाके मंजा पीस, मंजा पीना नहीं आंदा तानू कोई बुलांदा नहीं। अभी ये एक लड़की ने डायलॉग बोला है, अभी ये इसके ऊपर कमेंट जरूर करना। तो एक्चुअली बात क्या हुआ कि अभी हम 1 किलोमीटर ही आगे आए थे और यहाँ पे फुल जाम लगा हुआ है, लगभग हमें 15 से 20 मिनट हो चुके हैं जाम लगे होने के, बीच में फंसे हुए। तो मतलब लुधियाने की ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है, मतलब बंदा निकल ही नहीं सकता कहीं पे, कुछ जा ही नहीं सकता। आप देख सकते हो ये बीच में ट्राला अपना ख़राब हो गया और इस चक्करों में पूरा जाम है, आगे का पता नहीं हमें क्या दिक्कत है। चलो आगे जाके देखते हैं जो मेन जाम क्यों लगा हुआ है। हमारे पास दो रूट थे, एक रूट ए था जो जाता है लुधियाना से चंडीगढ़ को, एक था रूट बी जो जाता है लुधियाना से दिल्ली के लिए। एक्चुअली रूट ए में हम काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी बार हो आए हुए हैं, इसलिए इस बार हमने रूट बी चुना है और अभी देखते हैं। बस ये रोड काफ़ी मतलब स्मूथ और काफ़ी अच्छा है, बीच में काफ़ी अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट भी आएंगे, वो सबसे मतलब दिखाते हुए आपको आगे चलेंगे। और लगभग आज सुबह से निकले और रात शाम को ही घर आएंगे और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी बाइक को खींचेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना डिस्टेंस है वो आज कवर करेंगे। अभी अभी हम जो अपने बुलेट राजा हैं उनकी पेट पूजा करने के लिए रुके हैं, अभी हमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, अपनी पेट पूजा भी करेंगे, पर इनकी पेट पूजा ज़रूरी है, नहीं तो अगर ये इनकी पेट पूजा ना हुई तो इन्होंने हमें बीच में ही हमारा साथ छोड़ देना। लगभग हमने 23-24 किलोमीटर बाइक चला ली और पहली ब्रेक ली है और हम पहुंच गए हुए दुराहा। तो एक्चुअली बात है यहाँ पे जो व्यू था ना, व्यू बड़ा ही अट्रैक्टिव कर रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ पे गाड़ी रोकी है। तो यहाँ पे
मतलब देखने के लिए भी बहुत कुछ है। अगर आप यहाँ दुराहा में आना चाहते हो तो यहाँ पे एक किला है, महावीर आलो का एक मंदिर है और यहाँ पे मैगडी भी है। मतलब यहाँ पे बहुत कुछ है, मतलब अभी देखते हैं आगे जाके अगर हम इन सब को भी कैप्चर कर सकते हुए तो करके दिखाएंगे। तो फिलहाल अभी सीधा ही चलेंगे। आप व्यू देखिए कितना ही जबरदस्त व्यू बना हुआ है। तो खोले वही कुंडा खोले, अब इन्होंने मैगडी का नाम लिया, अब मेरे को आ गया बर्गर यार। अभी ये मेरे को बर्गर खिलाएंगे, खिलाओगे ना भाई? क्या बर्गर मैगडी का आपने नाम लिया है मैगडी का? चलो देखते, वैसे ये खुद ही एक बर्गर है, बाकी चलो देखते हैं आगे का टाइम मिलता है तो हम इसको बर्गर खिलाएंगे, नहीं मिलता तो इसे रोड पे नहीं खिलाना। यहाँ पे ट्रैफिक की प्रॉब्लम थी और सब देखो आप इस तरीके की, मतलब इतने ट्रक जा रहे हैं, वो इतने ज़्यादा टायरों वाले ट्रक हैं, मतलब एक छोटा सा इंजन उनको एक तरह खींच के लेके जा रहा है। आप लगभग देख सकते हो कितने ज़्यादा टायर हैं। तो मैं इसको देख के ना हक्का बक्का हुआ पड़ा हूँ, इसके करके ही ट्रैफिक जाम हुआ पड़ा था। आप देख सकते हो कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 और 8, 16, 16 और 4, 20, काफ़ी मतलब तंग मिल रहे थे और अपना काफ़ी भीड़ मिल रही थी। बट अब जो सरहंद के बाद का रोड है वो आप देख सकते हो, व्यू भी कितना प्यारा हो चुका हुआ है, दोनों तरफ खेत और सामने दोनों तरफ ट्री और काफ़ी हरियाली है। और लगभग अंबाला रह गया 58 किलोमीटर और हम आ चुके हुए हैं अब तक 62 किलोमीटर। तो अभी हम आगे मैगडी आएगा, मैगडी पे रुकेंगे, तो मैगडी पे रुक के कुछ खाना पिया है, अपना बर्गर बुर्गर खाएंगे क्योंकि एक्टिविटी से सुबह से निकले हुए हैं, कुछ खाया पिया नहीं है। पर ये रोड को देख के इससे एक तरह अलग तरह से प्यार हो चुका हुआ है, बस मन कर रहा है कि इस रोड पर चलाते रहे। मैगडी पहुँच चुके हुए हैं, अपना एक्चुअली सुबह से कुछ खाया नहीं था, अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया था, अभी हम सोच रहे हैं यहाँ पे हल्का फुल्का सा कुछ खाते हैं। तो अभी हमारा प्लान क्या बना है, अभी हम जा रहे हैं अंबाला। आने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, ये लड़की यो अपना सेल्फीज ले रही है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ, मैंने प्लान ए के ऊपर वर्क किया था, मैंने कहा था कि चलो आज हम कसौली जाएंगे और शाम तक वहाँ से वापस आ जाएंगे। बट इस लड़की ने मुझे बोला कि नहीं, हम प्लान बी के ऊपर जाएंगे, हम दिल्ली की तरफ चलते हैं। अभी रास्ते में इस लड़की ने मुझे बताया कि हम इस तरफ ये क्यों लेके आई है, क्योंकि अंबाला में एक भैया है जो पर्स का काम करते हैं और उनसे पर्स लेने जा रही है, क्योंकि ऑनलाइन से वो पर्स सिर्फ 20 रुपये सस्ता दे रहे हैं। क्या भैया, ऑनलाइन ले लेना था, हम 5,000 रुपये का वहाँ से पेट्रोल फूक के अंबाला तक जाएंगे और सिर्फ आपके एक 20 रुपये बचाने के चक्करों में। मैंने कुछ गलत कहा, 20 रुपये सस्ता मिल रहा है, इवन सस्ता तो देख रही हूँ, और कितना देखना है, अगर वही 20 रुपये सस्ता मिलेगा और क्या चाहिए हमें। बस अभी हम थोड़ा अंबाला रुकेंगे, अंबाला एक्चुअली वहाँ स्टे करेंगे थोड़ी देर। लगभग हमने 120 किलोमीटर की राइड कर ली हुई है, तो अभी पंजाब की जो सरहंद है वो ख़त्म हो गई है, अब हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एंटर करके हुए हैं। ये अभी टोल प्लाजा आया हुआ है, टोल प्लाजा क्रॉस करते सारी हम हरियाणा में कवर कर जाएंगे। तो चलो अब हरियाणा में जाके पहले इस लड़की का पर्स लेते हैं, उसके बाद जो भी आगे का काम होगा वो करेंगे। अभी मम्मी भी कॉल आई थी, कह रहे थे मासी जी बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, शायद हम उनके पास भी होके आए वहाँ पर। चलो हमारे साथ बने रहे। अंबाला का कैंट पहुंच चुके हुए हैं, तो अभी पहले हमें प्लान बनाया है कि पहले मासी जी को मिलने जाएंगे, मासी जी को मिलने के बाद फिर इसका पर्स लेंगे, फिर आगे का प्लान आपको बताते हैं। तो मतलब अंबाला कैंट में भी लुधियाने के जैसे बहुत ज़्यादा ही कह सकते हैं भीड़ भाड़ वाला एरिया है, पर चलो कोई बात नहीं, अब भीड़ तो हर जगह ही है, भीड़ भी तो हम लोगों के साथ ही है। अभी हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, जैसे ही मम्मी की कॉल आई कि मासी हॉस्पिटल है तो हमें टेंशन होगी, तो अभी हम हॉस्पिटल आए हैं मासी जी को देखने के लिए। एक्चुअली वह इनका ऑपरेट हुआ है, तो ये है मासी जी। तो मासी जब आप कैसे हो? हम आगे से काफ़ी बेटर हो। काफ़ी बेटर हो, तो ये है मासी जी। चलो इनसे ना ज़्यादा बात करते हुए, तो बस इनको से यही कहते हैं कि ये अच्छे तरीके से ठीक हो जाएँ, तो फिर यही हमें घुमाने फिराने के लिए अंबाला दोबारा से लेके जाएँ। शो
स्टॉप पे पहुंच चुके हुए हैं यहाँ से, जिसके लिए हम लुधियाना से अम्बाला आए हैं। हाँ, वो अंदर भैया की परसों की दुकान है। तो ये लड़की जैसी यहाँ पे बाइक रोकी, बड़ी ज़्यादा खुश हो गई है। अब अभी अंदर जाके पर्स वो लेंगे और आपको दिखाएंगे। एक 20 रुपये बचाने के पीछे हम 1000 रुपये का पेट्रोल लगा के आए हैं, वो क्या चीज़ है। हम वहाँ शॉप पे पहुँच चुके हुए हैं जिसके लिए हम अम्बाला आए हैं। एक्चुअली बात, हमारा तो आज दिल्ली जाने का प्लान था और आपको पता ही है, एक 20 रुपये डिस्काउंट के पीछे ये लड़की ने हमें अम्बाला की तरफ रुकवा लिया हुआ है। वो चलो उसके चक्करों में मासी मासी जी भी थोड़ा मिलाए हुए हैं। ये वो पर्स है जो ऑनलाइन पे है 1300 रुपये का, और भैया ने हमें दिया है 1280 रुपये का। और भैया वैसे बोल रहे थे इसके प्राइस तो ज़्यादा है, बट चलो आप इतनी दूर लुधियाना से आए हो तो आपको ये 1280 रुपये का दे देते हैं। तो ये भैया का भी हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने हमें चाय पानी भी पिलाया। और अब इनको पेमेंट दे के तो हम लुधियाना के लिए वापस चले जाएंगे। आप खुश हो ये पर्स से? बिल्कुल, बहुत प्यारा पर्स है। इवन ऑनलाइन जो दिख रहा था वो फीडबैक अच्छे नहीं मिल रहे थे, बट इसका फीडबैक भी बहुत अच्छा है। इवन रिव्यूज़ में अगर देना चाहूँ तो इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। जो वहाँ पर हमें क्वालिटी मिल रही थी वो इतनी अच्छी नहीं मिल रही थी, तो ये क्वालिटी मेरे को ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो मेरा तो प्रॉपरली पूरा हो गया। आपने इतनी बड़ी अमाउंट बचाई, वो 20 रुपये का, अब वो आप क्या करना चाहोगे? किसी को डोनेट करना चाहोगे, या किसी गरीब को देना चाहोगे, या उसको बैंक में रखना चाहोगे, या उसको सिक्योरिटी कार्ड, क्या करना चाहोगे? आप ले लेना, आपसे वार के दे दूंगी। अच्छा अच्छा, मुझे आप वो देना चाहोगे 20 रुपये? नहीं, मेरे से इतनी ज़्यादा अमाउंट तो संभाली नहीं जाएगी। ऐसे ही मेरे साथ कोई रोबरी होगी तो वो दिक्कत हो जाएगी ना। चलो कोई बात नहीं, आप वो 20 रुपये अपने पास ही रख लेना। चलो ओके, टाटा बाय बाय। हम जा रहे हैं, यहाँ से निकलने लगे हैं। अभी लगभग सुबह 130 किलोमीटर का डिस्टेंस था, कवर किया था। एक्चुअली बात, गर्मी बहुत हो गई थी, अभी यहाँ मासी जी के रुके थे। अभी आपको सनसेट दिखाएंगे, और ये सभी हमारे साथी हैं। तो ये कृतिका, अभी इनको तो आप जानती हो, वर्ल्ड फेमस, क्या क्या बोले छोड़ो। और मैं अपना छोटा सा केदारनाथ भाई आपका, अभी आपको सनसेट का थोड़ा सा नज़ारा दिखाएंगे और फिर लुधियाने के लिए चले जाएंगे। चलो आप हमारे साथ बने रहिए। हम सनसेट देखना चाह रहे थे, पर हमने सोचा कि हम सरंद नहर के ऊपर जाके देखेंगे, पर एक्चुअली बात क्या हुआ, सनसेट बड़ी जल्दी नीचे डाउन हो गया, सन बड़ी जल्दी डाउन हो गया। अभी थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है, आप ऐसे ही बाइक पे ही सनसेट देखेंगे। तो एक्चुअली बात, पहले मेरा प्लान था कि जो सरंद की रिवर है उसके ऊपर बैठ के आराम से इन्जॉय करेंगे, चिल करेंगे और सनसेट देखेंगे, बट अभी सनसेट बिल्कुल ही मतलब हो चुका हुआ है ऑलमोस्ट। तो जैसा भी आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि हमें 30 से 35 मिनट हो गए हुए हैं, लगभग हमने 60 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया हुआ है। लगभग गाड़ी 80 और 100 के बीच में ही चल रही है, और आप देख सकते हैं सनसेट तो हमने मिस कर दिया, पर हमें ये था कि हम अपना अंधेरा होने से पहले काफ़ी तक डिस्टेंस कवर कर दें, और हमने 60 किलोमीटर कवर कर भी लिया आधे घंटे में। तो चलो अभी देखते हैं कि हम कितने बजे तक लुधियाना पहुँचते हैं, बाकी अपडेशन आपको लुधियाना जाके ही देंगे। अभी हम मंडी गोविंदगढ़ पहुंच चुके हैं, पर यहाँ पे भी बस वही हाल है, ट्रैफिक जाम। ये पुल है, ये लगभग 10-12 सालों से मैं देख रहा हूँ वैसे का वैसा ही है, कभी मतलब ना काम पूरा इसका हुआ ही नहीं, और यहाँ जब भी देखो तब जाम में ही हमें फंसना पड़ता है। तो अभी भी हमें लगभग आधा घंटा हो गया हुआ, इतनी देर में तो हम 60 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके आ गए, और आधा घंटे हो गया हमें, सिर्फ 1 किलोमीटर का हमने डिस्टेंस तय किया है। पुअर गवर्नमेंट। अभी सिंह साहब की तो पेट पूजा हमने करा दी है, लगभग 500 रुपये का उनको पेट्रोल डलवाया है। पर यहाँ पे सरंद से खन्ना रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, लगभग आधा घंटे हो गए हैं, 1 किलोमीटर हमने कवर किया, और लगभग हमने 40 मिनट में 70 किलोमीटर कवर कर लिया था। तो चलो अभी देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं, तो अभी देखते हैं कब तक हम लुधियाना पहुंचते हैं। 7:30 बजे हम दुकान पे पहुंच चुके हुए हैं, लगभग हम 1.5 घंटे में हमने 130 किलोमीटर कवर कर लिया। चलो अब बस इस ब्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं। तो लगभग आज 260 किलोमीटर की हमने ड्राइव की है, तो आने वाले टाइम में भी ऐसी आपको लॉन्ग ड्राइव लेके जाते रहेंगे, आने वाले टाइम में हम कसौली भी जाएंगे। तो चलो बस इस ब्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, टाटा बाय बाय।